प्रदेश के बांदा में आबकारी विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कर रहा खुला उल्लंघन। बांदा की आबकारी अधिकारी को प्रमुख सचिव ने भेजा था एक सकुला। बांदा की लगभग 300 दुकानें किसी भी नियमावली का पालन नहीं कर रही, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था किसी भी हाईवे पर शराब की दुकान नहीं होगी, चाहे देसी हो या अंग्रेजी, और एक आदेश यह भी जारी किया था किसी भी स्कूल और धार्मिक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन आश्चर्य और सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बांदा के आबकारी विभाग किसी भी दशा में पालन करने को तैयार नहीं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? बांदा जनपद में लगभग 300 शराब की दुकानें हैं जिनमें 10-10 मीटर धार्मिक स्थल है, बच्चों के स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज है, हाईवे से जुड़ी हुई मॉडल शॉप, कई तरह की शराब के ठेके हैं जो बराबर चल रहे हैं, किसी को दिख ही नहीं रहा। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश किया था कि यह सब बस्ती से बाहर दूर निर्जन स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, सब बस्तियों में ही है, धार्मिक स्थलों के पास है, चाहे गिरजाघर हो, चाहे आपका मस्जिद हो और या फिर मंदिर हो, इन्होंने तरह तरह से फर्जी आदेश कराए। हाईवे खत्म हो गया है, हाईवे है ही नहीं, क्लर्क को पैसा दिया और ने लिख दिया यह हाईवे खत्म हो गया, जबकि हाईवे खत्म नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? माननीय योगी सरकार बराबर अपने आदेशों को कड़ाई से लागू करती है, लेकिन बड़ा ही आश्चर्य है यह बांदा में इस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आखिर कौन लेगा संज्ञान, कौन बनेगा इसमें मुलजिम, कौन करेगा कार्रवाई? आप बांदा नगर को ही ले लीजिए, नगर में चिल्ला रोड पर गिरजाघर है, उसके पास 4-4 दुकानें अंग्रेजी शराब और देसी शराब की, उसके आगे भागवत प्रजापति इंटर कॉलेज है, उसके पास भी अंग्रेजी शराब और देसी शराब की दुकान है। आप इसके आगे चलिए, मंदिर के ठीक चौराहे पर दुकान है, बगल में काली देवी मंदिर है। क्यों हो रहा है जिला प्रशासन के संज्ञान में, आखिर क्यों नहीं आ रहा, एक प्रश्न चिन्ह और विचारणीय है। आखिर जो सरकारी नुमाइंदे हैं वही तो देखेंगे, क्या वह नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगी व्यवस्था? अब आप आइए शहर के अंदर, स्टेशन रोड, काली माता मंदिर, राजकीय इंटर कॉलेज, बालिका, काली देवी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, राजकीय महाविद्यालय, जिला परिषद चौराहा, इन सब में शराब की दुकानें देसी और अंग्रेजी खुला है, कहीं पर कोई भी नियमावली का पालन नहीं हो रहा। आखिर इस जियो मावली का पालन कर आएगा कौन? उत्तर प्रदेश के बांदा में भयंकर तरीके से कच्ची शराब उतारी जा रही है, जगह जगह लिक्विड जहरीला नशीला पदार्थ मिलाकर हजारों बोतल शराब बनाई जा रही है, इसमें आबकारी विभाग का पूर्ण सहयोग रहता है, जगह जगह से पुलिस भी प्रयास करती है, लेकिन पुलिस को इस प्रयास में आबकारी विभाग विफल कर देता है। पुलिस ने कई बार छापे डाले, एसओजी टीम ने डाले डालकर पकड़ा, जो कार्य आबकारी विभाग को करना चाहिए। आबकारी विभाग के पास फोर्स भी होती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करते, उनका तो बस कार ओवर रेटिंग में चलता है, वह ओवर रेटिंग कराते हैं। पूरे जनपद में भयंकर तरीके से ओवर रेटिंग चल रही है, एमआरपी से 5-10 रुपए ज्यादा पर शराब बेची जाती है, इस बात को कई लोगों ने वीडियो में अपने बयान दिए हैं। बांदा में जहरीली शराब का कारोबार व्यापक पैमाने पर चल रहा है, जैसे कि कुछ स्थानों के नाम पायनियर की प्रेस टीम को पता चला, गांव के नाम बताओ, दर्दा, कनवारा, अछरौत, पथरी, चटगन, तो वह कर देते हैं। मवई, लुक, तारा नगर के अंदर झील का पुरवा, देवनगर, गोरह, अत्राहट, महुई, गंछा, कहाला, दूरिनी, त्रिवेणी, करछा, पिपरी, खुरहन, महुआ, बबेरू रोड में जो ग्रहली के आगे, मुरवाल, तिलोसा, खरौली, नंदूपुर, बाबूपुरवा, राघोपुर, ममसी, गडावाली, बागे, नदी के किनारे किनारे, पथरा आदि में भयंकर तरीके से कच्ची और नकली सरकारी संरक्षण में ट्यूबवेल में फार्म हाउसों में रिफिलिंग करी जाती है, तैयार किया जाता है। इसमें एक बड़ा खेल और बता है, शराब का ट्रक गोडाउन से चलता है और उसी चलान पर फिर दूसरा ट्रक आ जाता है, फिर तीसरा ट्रक आ जाता है, ऐसे दिन भर सेल टैक्स की चोरी की जाती है। सेटिंग इतनी होती है कि वह ऑनलाइन आप उसको चैट नहीं कर सकते, कुछ एरिया में मैनुअल होता है, कुछ में उसमें भी सिस्टम बनाया जाता है, और शराब जिस कंपनी की लाई जाती है कोई जरूर नहीं उसी कंपनी की है, मिक्स करके दूसरी कंपनी की अभी फीलिंग करके उसे भी उसमें ऐड किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी शराब की दुकानें हैं जिनमें नंबर 2 की शराब तैयार करके बेची जाती है, इसमें आप विभाग का पूर्ण सहयोग रहता है, तभी इस कार्य को किया जाता है।